जैसे ही मैच का दूसरा हाफ हुआ और लखनऊ ब्रदर्स की टीम दूसरी टीम बराबरी में है और टाई ब्रेकर एसटी फाइटर्स नगरी के खिलाड़ी जर्सी नंबर 14 सुरेश पहला शॉट लेने के लिए तैयार होते हुए और इनके सामने है दशरथ लखनऊ ब्रदर्स के गोलकीपर। सुरेश के द्वारा एक शानदार शॉट या बाहुबली नहीं है ये लेकिन टीम की कैप्टन है कबाल का शॉट यहां पे महेंद्र बिल्कुल बाहुबली की याद। रांची फाइटर्स बांसु की टीम अब मैदान में प्रवेश कर चुकी है। हल्के येलो रंग की जर्सी में ये टीम होगी। इनके सामने है 4S बडाम की टीम व्हाइट कलर की जर्सी में। सचिन टीम के कप्तान और बिल्कुल एक गलतियों का खेल है। अब ये देखना होगा कि पहली गलती कौन सी टीम और कौन से खिलाड़ी के द्वारा होती है। जो भी टीम कम से कम गलती करते हैं उसी को सफल होने के ज्यादा मौके मिलते हैं। सोमा आए हैं जैसे टीम के साथ हैं। सुरेंद्र होंगे इनके सामने। बहुत उम्दा बहुत ही शानदार। अब तक दोनों टीमों की ओर से दो दो शॉट लगे हैं और दो दो गोल भी हुए हैं। सूरज ये शॉट है और क्या कमाल का ये। महादेव लखनऊ ब्रदर्स की ओर से तैयार होते हुए शॉट लेने के लिए। अर्निंग शुरू नहीं हुआ होगा। ये मोनेटाइज हो गया है। बाया बाया कमाल का शॉट यहाँ पे एक और पर शॉट में दोनों ही टीमों ने गोल किए हैं।
लीजिए, इन्होंने पूरा समय लिया। नाम लकड़ा ब्रदर्स की ओर से शॉट लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। कमाल का शॉट यहाँ पे, एक गोल का अंतर है और बढ़त में पहली बार बड़े ही मुकाबले में पिछड़ रहे थे, लेकिन इस टाई ब्रेकर में और इस मैच में पहली बार आगे निकले हैं लकड़ा ब्रदर्स की टीम। अगर इस मैच में इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो फाइटर्स को ये गोल करना ही पड़ेगा। महेंद्र और यहां पे बचा लिया था, लेकिन गेंद चली गई है सीधे गोल पोस्ट के अंदर, रोकना बेहद जरूरी। शॉट लगाने से पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए गोलकीपर जर्सी नंबर 7 छोटो नाए हैं जर्सी नंबर 10 के साथ। धड़कने तेज हो गई है, सांसें मानो रुक सी गई है। और इसी के साथ छोटों का ये बड़ा शॉट यहां पे, और फाइनली लकड़ा ब्रदर्स की टीम